दबाने का काम कर रहे हैं। मैं दोस्तों आपके माध्यम से उस शासन और प्रशासन के लोगों को मीडिया के माध्यम से इंटेलिजेंसी के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि यदि एक भी आदमी के सामने उंगली की, एक भी आदमी के सामने उंगली की तो राजस्थान भर में जंग लगा देंगे और आंदोलन खड़ा कर देंगे। हम इतना हल्के में लेने का काम ये प्रशासन और शासन के लोग करें वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भाई विजय जी ने बताया है, बाकी की बातों पर नहीं जाना चाहता हूं, समय का भी अभाव है। ये निश्चित है कि ये आंदोलन आप और पार का है, कोई समझौता नहीं। समझौता है तो वही है कि या तो टेबल समाज के बीच में लगाए या हमको अपना ड्राफ्ट तैयार करके और उसका जो कि गजट नोटिफिकेशन जारी करके बस कर्नल साहब के सामने और समाज के सामने सुना दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे और से सम्मान आपको फिर गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। वरना ये भी देख लेना कि हमने आपको गद्दी पर बिठाया है तो ये कौम उतार भी आपको बहुत जल्दी देगी, बचने का काम नहीं किया जाएगा। अब यदि आपने कर्नल साहब को कमजोर किया, बहुत घर की बात कह रहा हूं, उन लोगों के या किसी के भी उससे कर्नल साहब को कमजोर करने का काम किया तो पिछड़ी जाति के लोगों गुजरो, तुम्हारी ऐसी जिंदगी कि कोई तुमको उठाने वाला खड़ा नहीं होगा। आज 81 वर्ष की उम्र में एक जवानों से ज्यादा कर्नल साहब के बेटा है, ये भी कर्नल साहब का साथ नहीं दे पा रहे, बीच बीच में छोड़ जाते हैं, यानी रात और दिन आज किसके लिए काम कर रहे हैं? कर्नल साहब के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये श्रीमान जी 2 लाख की तनख्वाह लेते हैं, बहन जी है सुनीता मेश्रा जी वो 2.5 लाख की तनख्वाह ले रही है, 2 बच्चे हैं वो दो भाइयों की 2-2 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, तो साहब के बच्चों को कर्नल साहब के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलने वाला है। एक बात और आ रही है मेरे मन में, ये लोग कहते हैं कर्नल साहब चुनाव के टाइम पर करते हैं और चुनाव लड़ने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं सम्माननीय सचिन साहब से कि तुम्हारे पिताजी सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, आपने चुनाव क्यों लड़ा? सीधा सीधा बैंक है मेरा, क्यों लड़ा? आज उन बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि चुनाव की बात करते हैं, वो बीजेपी के लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों ऐसे जाति के वोटों को बना रहे हैं? यदि कर्नल साहब चुनाव लड़ते हैं उस कौम को दे रहे हैं, और यदि चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपको ऐतराज है? क्या आपको ऐतराज है? क्या मैं मानता हूं कोई ऐतराज नहीं, जबकि कर्नल साहब चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं तो इस मीडिया के माध्यम से उन तक ये खबर पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि आप क्यों लड़ रहे हैं। अरे तुमने हरियाणा छोड़ा नहीं, यूपी छोड़ी नहीं, और राजस्थान में आ ढंग के दिल्ली भी नहीं छोड़ी, कोई काल नहीं, आप शासन करें, आप हमारे हैं, हमने आपको वोट देकर बैठा दिया, लेकिन हम आपको लंबा शासन कराएंगे कि आप हमारा 5% का विधेयक तैयार करा करके समान बना करके देते, हम आपको अब नहीं तो फिर सीएम बना करके भेजेंगे आपको। भाई कर्नल साहब जिस तारीख को आपको दें, निर्णायक महापंचायत होगी, यहाँ के बाद में महापंचायत अजमेर में है, साईमाला देव भगवान के वहां अजमेर जिले में, फिर एक निर्णायक महापंचायत की घोषणा स्वयं कर्नल साहब करेंगे, उस तारीख को उस स्थान पर होनी है, और हो सकता है कि वो निर्णायक पंचायत को उस निर्णायक पंचायत की आवाज को कर्नल साहब की उस आवाज को आप सुन करके जैसी स्थिति में जहां हो एकत्रित होकर के और इस सरकार को बता देना कि कर्नल वहां बैठा है तो हम भी कर्नल बन के यहां बैठे हैं।
आपने बहुत प्यार से सुना, इसको फिर मत भूलना कि आंदोलन जारी है। करण साहब ने आंदोलन पहले जारी कर दिया, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 20 दिन में। हाँ, ये भी बात है, मीडिया के भाई हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस कौन की ओर से कि आप उनसे ये पूछे कि आपने अपने घोषणा पत्र में ये लिया है और ये सरकारी दस्तावेज तैयार हो गया तो ये अन्याय कब कर रहे हैं? 20 दिन का समय दिया, यदि ये कुछ करते हैं उस भाइयों को, यदि हम रास्ते में रोकेंगे तो कुछ भाइयों पर निश्चित ही असुविधा होगी। वो जिम्मेदारी हमारी नहीं, आप उनसे पूछेंगे कि ये जिम्मेदारी आपके करण वैश्वान ने 20 दिन का समय दिया और आप काले और गूंगे और भरे बन के आप चुपचाप सत्ता का भोग भोगते रहे, ये भी आप पूछने का काम करें। धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से सुना, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल वैश्वान, कर्नल वैश्वान, राम राम साहब। हमारे बीच विराजमान गुंगे समाज के मसीहा आदरणीय कर्नल साहब अपना उद्बोधन देंगे, साहब की अनुमति से। साहब की अनुमति से आदरणीय साहब दो शब्द कहेंगे। कर्नल तुम संघर्ष करो, आदरणीय कर्नल साहब और मेरे जितने भी अधिकारी, मेरे जाति बंधु और मेरे समाज के जितने देवता लोग वहां पर बैठे हैं, आज बहुत ही बड़ा दिन मानता हूं मैं। कल साहब से मेरी फोन पे बात होती रहती थी, होती आज जब इस एरिया में है तो मेरी वहां से कोटा चल करके साहब से मिलने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए मैं आया। जो चार लोग फीस दे रहे हैं इसमें बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है, हमें जी जान से चाहे कुछ भी हो गया ऐसा राजा हमें कभी दोबारा मिलेगा भी नहीं। ये हमारे बगरावतू के बाद के अंदर जो बगरावत उस टाइम पे राजा रहे होंगे, इतिहास हमारा जो बताता है, सिवाय बहुत रहे थे जो भी रहे थे, पर आज के टाइम पे कर्नल साहब जैसा राजा हमें मिलेगा नहीं और इनकी छाया को हम नहीं छोड़ रहे, चाहे हमारा को कुछ भी रिजल्ट देना पड़े। इतना क्या करके मिल रहा हूँ, थैंक यू। आज के हमारी आवाज यही तो है। आज के हमारे विराजमान जो भी हमारे सीनियर बुजुर्ग है, मैं उनको सम्मान देता हूँ, नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, लाइक एबल इन लर्नेबल मीडिया, मेरी बहादुर कौन, मेरी दयाल कौन, आज हम एक बार फिर क्या करते हुए हैं बताते हुए, आपने भाषण सुने, बातें सुनी, बहुत सारी बातें तो वक्ता हमें बताते हैं। मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि इस राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। और 33 जिलों में तुम्हारा कोई एक एसपी है क्या? क्या
33 जिलों में तुम्हारा कोई ये राजस्थान के गुर्जर का या रेवाड़ी का या बंजारे का या गाड़िया लोहार का कलेक्टर है, जबकि और लोग जिनको आरक्षण मिला हुआ जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, आप वीणाओं को देख लीजिए, जाटभाइयों को देख लीजिए, आज उनके 28 एसपी, तो मैं क्यों नहीं एमबीसी के लिए संघर्ष करूं, क्यों नहीं मैं आंदोलन करूं, क्यों नहीं मैं रेल रोकूं, क्यों नहीं मैं काम करूं। कर्नल गोत्र, कर्नल गोत्र, कर्नल तुम सम्मान करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कर्नल तुम सम्मान करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कर्नल बेंचलो जिंदाबाद, कर्नल बेंचलो जिंदाबाद। हाउ सॉरी, कितने अफसोस की बात है कि मैं इस पिछड़ी कौम के लिए काम कर रहा हूं। ये जो निराश उदास चेहरों को देखो, पीछे की तरफ इधर की तरफ, इनके लिए मैं काम कर रहा हूं, इनकी मैं मीटिंग पंचायत ले रहा हूं, इनमें मैं जान फूंक रहा हूं, और उसको ये प्रशासन द्वारा कुचलने की कोशिश कर रहे। हमारे नेता जी यू विल नॉट बी फॉरगिवन अगेन, श्योर यू दैट। हम बाहर के तो नहीं है, हमने कोई विद्रोह तो नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की, हम तो बैठे बात ही तो कर रहे। मैं कल मसूदा में जो मैंने हालात देखे, ऊपर की तरफ खदानों के पास के दर तो गांव में एक भी राज्य कर्मचारी नहीं है मेरे मंत्री महोदय। आप खंडार में जाइए, उत्तर की तरफ उन गांव में एक भी आपको सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूं, इसलिए मैं ये मीटिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मेरे आंदोलन ने क्या दिया ये तो आपको बता दिया, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, आपके नैनवा में वीडियो कौन है, गांव का है, किससे आंदोलन की पैदाश हुई है, क्या वो नैनवा में एडीएम कौन है, जो सचिन साहेब हमारे उप मुख्यमंत्री परसों पहले दिन स्कूटी बांटने गए थे, वो स्कूटी किसके आंदोलन द्वारा दी जा रही है। कर्नल बेंचलो जिंदाबाद, साहिबान मैं एक बात कहना चाहूंगा, छोटी सी, राजनीति को नेता को पावर मिलता है, और सामाजिक नेता केवल और केवल पारस पत्थर होता है। पारस पत्थर से जब लोहा टच हो जाता है तो लोहा सोना बन जाता है। कहीं मुकुट बनता है, कहीं जंजीर बनता है, कहीं करदनी बनता है, कहीं कुछ बनता है, लेकिन पारस पत्थर केवल और केवल पारस पत्थर ही कहलाता है, और लोग फायदा उठाते हैं उसका। हमने आंदोलन किया, हम पर हमारे पर मुकदमे लग रहे हैं, और हमने स्कूटियां दिलवाई, तो आज हमारे बड़े साहब बात में आए। नहीं, केंद्र ने कॉलेज खुलवाया, उसका उद्घाटन कर लिया है। ये हाल मत करोगे, कहने नहीं आइए, कहलवाने आइए। आरक्षण हमारा हक है, गुजरात
मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं जरूर तुम्हारी खोल हुई टोकरे वापस दिलाऊंगा। बात चल रही थी किसी भी एमएलए मंत्री में इस पिछले 60 वर्ष में तुमको इतनी सी कोई सुविधा दी हो तो बताइए, बजा हैंडपंपों के हैंडपंपों को तो आजकल गाड़ी कुटिया भी खरीद लेती है। हमने 26 आवासीय विद्यालय लगाए और हम तकी कर रही है, मेरी लड़कियां घास काटने वालों की लड़कियां 12वें दर्जे में 97% लाती है, उनको इनाम दिया जाता है। इससे अचीवमेंट एंड इट इज रिमार्केबल अचीवमेंट। मैं फिर अनुरोध करूंगा, मुझे हाथ दे दीजिए, 10% उनको मिल गया है, हमें 5% दे दीजिए। यदि आपने मैं बहुत नम्रता से कह रहा हूं, हमें 5% दे दीजिए, हमें जरूरत है। गांव में पंचायत समितियों में एक सरकारी नौकर नहीं है, इनको आरक्षण की सबसे पहले जरूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा सबका बंद हो जाना चाहिए और मसूदा और खंडार वालों को सबसे पहले मिलना चाहिए। मैं गया हूं, मैंने देखा है, मैं मुख्यमंत्री को जब हूं कभी मूड में आएंगे तो उनको मैं लाके दिखा के लाऊंगा कि देख क्या हो रहा है। वी वांट वेलफेयर, वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट प्रोग्रेस एंड वील कॉपरेट एंड सपोर्ट यू टू द हेड। अब रही बात जैसा सबने कहा है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं आंदोलन करूं। इन दिनों में 8 तारीख तक, 8 से पहले पहले 2-4 दिनों में मुझे मेरा हक दे दीजिए, नहीं तो आंदोलन की 8 तारीख की घोषणा में 5 तारीख को अजमेर में कर दूंगा। कर्नल बेंसलर जो आज चाहते हो या बाद में, आज 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 तैयार भाई, 8 तारीख को हम महापंचायत करेंगे मलारना डूंगर में, सब बन के आ जाऊंगा। स्टेशन सज्जनो कर्नल साहब डेट बढ़वा बढ़ा रहे थे, लेकिन ये डेट कौन है तय करवाइए, 8 तारीख कौन है आप लोगों ने तय कराई है डेट? ऐसा नहीं हो कि आप डेट तय करा के अपनी बकरी और भेड़ों को बाजार में चाय पीते ही रहे। नहीं साहब, 8 तारीख को मजबूती से आप है मलाना स्टेशन पर, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो 8 तारीख के लिए। तुम्हें इंतजार करो, आप सबको बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैंने सवाई माधोपुर वालों को बोल दिया है और सवाई माधोपुर वालों को बोल रहा हूँ कि 8 दिन का, 8-10 दिन का आग्रह पेश के रखना। आपने मेरी बात सुनी, बहुत प्यार से सुनी, मैं आपका बहुत बहुत एहसान मंद हूं, मैं जो कुछ करूं बोलो भैया, सुनाओ बैठो,
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रामचारी भूमि और भूमि का परिवर्तन देखने के लिए कर रहा हूँ। जिंदाबाद बैठलो, जिंदाबाद जनरल बैठलो, जिंदाबाद उधर एकता, जिंदाबाद उधर एकता, जिंदाबाद। आप बोल दो मुस्लिम वालों को मेरी ओर से बोलिए, पहले बोल दिया ना भाषण। मैंने पहले भी बता दिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि दर्शन वालों का मामला तुरंत सॉल्व आउट किया जाए। भाई साहब है, भाई साहब है, सही है भाई साहब, भाई साहब विजय भाई साहब, मलाना स्टेशन की कह रहा हूँ, क्या रहेगा आरक्षण को लेकर, सरकार को क्या निर्णय देना चाहेंगे? इसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, इम्प्लीमेंटेड गुजरात है, इम्प्लीमेंटेड इसको इम्प्लीमेंट गुजरात में कर दे। अब यदि मुझे 5% नहीं मिला, प्रकार का आंदोलन रहेगा, हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, आंदोलन में छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती। लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इट हैज बीन एम्पली सेड बाय द स्पीकर, कांग्रेस सरकार की जो आला कमान है, अगर हमको हमारा हक नहीं मिला तो हम सबक से काम देंगे।